और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेलवे विभाग से। रेलवे प्रशासन आरपीएफ और जीआरपी की पोल खुली है। दुर्गापुरा स्टेशन सहित जयपुर के कई स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपी संदिग्धों पर लगाम कसने में नाकाम दिख रही है। दुर्गापुरा स्टेशन पर रहती है सैकड़ों यात्रियों की आवाजाही, लेकिन इसके बावजूद सीसीटीवी नहीं है। आरपीएफ और जीआरपी की लापरवाही के चलते बीते दिनों बड़ी घटना हुई। दुर्गापुरा स्टेशन पर बीते दिनों 25 लाख के जेवरात चोरी हुए थे। दुर्गापुरा स्टेशन पर भीड़ में शामिल रहते हैं शातिर जेब कतरे। आरपीएफ और जीआरपी में सामंजस्य की कमी या फिर नफरी की कमी, बड़ा सवाल। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के हर शिफ्ट में सिर्फ दो ही जवान तैनात रहते हैं, तो वहीं जीआरपी की चौकी में भी सिर्फ दो ही जवान तैनात रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे नहीं है, दो जवान कैसे नजर रख सकते हैं? तीन प्लेटफॉर्म है। बड़ी वारदात, राजधानी जयपुर का रेलवे स्टेशन जंक्शन से जुड़ा हुआ, हजारों यात्रियों की आवाजाही स्टेशन पर, लेकिन यहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ऐसे में संदिग्धों पर आखिर कैसे 24 घंटे नजर रखी जा सकती है? इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, बड़ी लापरवाही सामने आई है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल, देखिए आशीष, रेलवे प्रशासन हो, आरपीएफ, जीआरपी, इनकी एक बड़ी पोल खुली थी बीते दिनों, जब 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी, तो उसके बाद ये सामने आया था कि दुर्गापुरा सहित जो भी आसपास के स्टेशन है, जयपुर मंडल के हो या उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करी जाए, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। और सबसे बड़ी चीज के साथ एक और देखने को मिली कि जो नफरी है वो बहुत कम है। अगर बात करें तो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म है, और प्रति प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर एक एक भी वहां पर जवान मौजूद रहे तब भी बेहतर है, लेकिन सिर्फ दो जवानों की ड्यूटी लगती है और तीन शिफ्ट में वहां पर कार्य होती है। बात करें तो तीनों शिफ्ट में तो सिर्फ छह जवान रहते हैं, यानी कि अगर बात करें तो एक जो जवान है वो बाहर जो लगेज स्कैनिंग मशीन है उसके पास रहता है, उसके अलावा एक जवान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है तीन प्लेटफॉर्म को संभालने की। और इसके साथ ही अगर जीआरपी की बात करें, जीआरपी के दो से चार जवान ही केवल मौजूद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और यही कारण है कि जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, चाहे जगतपुरा का स्टेशन हो, चाहे गांधीनगर का स्टेशन हो, दुर्गापुरा स्टेशन हो, इन सभी जगहों पर नफरी की बेहद ही कमी देखी जा रही है। और इसी कारण से जो शातिर चोर हैं वो वहां पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सामंजस्य की भी कमी देखने को मिल रही है आरपीएफ जीआरपी में। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से 25 लाख रुपए की लूट हुई थी, तो उसके बाद हालांकि दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जो पूरा सामान था उसे रिकवर कर लिया, लेकिन अगर नफरी ज्यादा होती, सीसीटीवी कैमरे होते, तो शायद इस पूरी वारदात में इतना समय नहीं लगता ढूंढने में। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल रेलवे प्रशासन के ऊपर भी खड़ा हो रहा है, और जो अधिकारी हैं उनको अब इस पे सोचना होगा, संज्ञान लेना होगा, और इस पूरी जो घटनाक्रम है इसको एक बार देखना होगा कि शातिर चोर किस तरह से प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही साथ नफरी को वहां पर बेहद ही बढ़ाने की जरूरत अब देखी जा रही है। जी आशीष जी, बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं रेलवे के उच्चाधिकारियों को मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।